जो लोग देशभक्ति के नाम पे सरकार की अंधभक्ति कर रहे हैं, दरअसल वो चाहे अनचाहे देश विरोधी काम कर रहे हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। अगर आपको देश से प्यार है तो आप कमजोर से सवाल मत पूछिए, ताकतवर से सवाल पूछिए। डेमोक्रेटिक होने का मतलब विपक्ष से सवाल पूछना नहीं होता है, डेमोक्रेटिक होने का मतलब सरकार से सवाल पूछना होता है। अगर देश के लोग, देश की मेजोरिटी विपक्ष के पास होती तब वो विपक्ष में क्यों होता? तब तो उसकी सरकार होती ना। आपको लोगों ने समर्थन किया है, लोगों ने ऑलरेडी उनको वोट दे दिया है, वोट देने के बाद अब उनकी भक्ति करना बंद कर दीजिए, उनसे सवाल पूछना शुरू कीजिए। पढ़ लिख लेने के बाद, मान लीजिए कि हम इंजीनियर बने हैं, इंजीनियर बनने के बाद हम घर घर घूम करके एक्वा गार्ड क्यों बेचेंगे? अगर एक्वा गार्ड ही बेचना है तो फिर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत है, हमको समझा दीजिए। अगर मुझे एक्वा गार्ड बेचना है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूंगा? और अगर मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे एक्वा गार्ड क्यों बेचना पड़ेगा? ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को प्रोपगेंडा के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि सिटीजनशिप क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटोरियन स्टेट नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो बात सही होगी, ये डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो माइनॉरिटी व्यूज हैं, जो कम लोग हैं, जो उनका आइडेंटिटी है, जो उनका एक्सप्रेशन है, उसको भी स्पेस मिलेगा, ये डेमोक्रेटिक होने का मतलब होता है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का काम यदि कानून पास करना है तो विपक्ष का काम उस कानून का विरोध करना है। ये कैसे हो गया इस देश में कि सरकार के किसी भी पॉलिसी का अगर अपोजिशन विरोध करती है तो उसको इमीडिएटली पाकिस्तानी कह दिया जाता है? बताइए, एमपी बने हैं हिंदुस्तान में, वोट दिए हैं हिंदुस्तान में, बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, और सरकार का विरोध करने के लिए ही वहां पे बैठे हुए हैं, चुने हुए विपक्ष हैं, देश के लोगों ने वोट दे करके विपक्ष के रूप में चुना है, और तब यदि सरकार की आलोचना करें तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है। इस तरीके का पिक्चर, इस तरीके का मीम बनाया जाता है कि सरकार के समर्थक कहते हैं कि पाकिस्तान भी दुखी है 370 हटने से और भारत का विपक्ष भी दुखी है। आप कैसा लोकतांत्रिक प्रोसेस तैयार कर रहे हैं? कभी आप भी तो विपक्ष में बैठेंगे और कभी आप भी विपक्ष में थे। मान लीजिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यही परिपाटी बन जाए, तब तो डेमोक्रेसी तो बचेगी ही नहीं, तब तो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटोरियल जो है एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। आज अर्थशास्त्र के ऊपर धर्मशास्त्र भारी हो गया है, और ये कितना आसान है आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे पता है कि इकोनॉमी की क्या हालत है, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसका अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो सबसे आसान है ना हिंदू और मुसलमान कर देना, सबसे आसान है। इसीलिए मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि आज के जो यूथ हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को यदि प्रायोरिटाइज करने की वो कोशिश करें, उसका वो लिस्ट बनाने की कोशिश करें, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले नंबर पे किसको रखें, जॉब को पहले नंबर पे रखें या रिलीजन को पहले नंबर पर रखें, पीसफुल लाइफ को पहले नंबर पर रखें या रिलीजियस प्राइड को पहले नंबर पर रखें, इसको वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि ज्यों ज्यों इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, त्यों त्यों
रिलीजियस सिंबोलिज्म के आधार पर कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश में फ्लोरिश कर रहा है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, और ये साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहा है। कहीं भी कोई भी जो एक क्लासिकल स्ट्रक्चर था वो क्लासिकल स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, हर जगह एक तरीके का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। कहीं भी आपको कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मिलेगी जहां 10,000 5,000 मजदूर आपको काम करते हुए मिलेंगे। कहीं भी कोई ऐसा आपको स्कूल या कॉलेज नहीं मिलेगा जहां 10,000 5,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन हो रहा है और जोमेटो से लोग खाना मंगवा रहे हैं, बताइए यूनियन कहां तैयार करेंगे। जो ले दे करके कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज बची है, उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज को लगातार फंड कटौती करके, फंड कट करके आज डिसमेंटल किया जा रहा है। और लगातार जो एंटी पब्लिक एजुकेशन मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं वो ये प्रोपगेट करते हैं कि सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों से देशद्रोही पैदा होते हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि किसी भी आइडेंटिटी के आधार पे, चाहे वो मजदूर हो, महिला हो, किसान हो, विद्यार्थी हो या नौजवान हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इस आधार पे कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। और जहां कहीं पीपल्स मूवमेंट बनने की संभावना होती है, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को दूसरे मार्जिनलाइज्ड मूवमेंट के अगेंस्ट में जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। जैसे अभी मैं पटना का एक एग्जांपल आपको देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर काम करते हैं लगभग पूरे देश में, परमानेंट जॉब ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में खत्म हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका सीवियर एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनके पास कोई सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन प्लान नहीं है, बच्चों के लिए कोई हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो वो मजदूर हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो किसी भी सेक्टर के मजदूर हों, जब वो रोड पे उतरते हैं तो बाकी सोसाइटी के लोगों के बीच में ये मैसेज स्प्रेड किया जाता है कि स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं और इनको वेतन चाहिए 50,000। कोई सेंस ऑफ एसोसिएशन ही नहीं बचा है। किसान का आंदोलन हो रहा है उसमें मजदूर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, मजदूर का आंदोलन हो रहा है उसमें किसान पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, महिला का आंदोलन हो रहा है उसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और दूसरे कम्युनिटी का जब आंदोलन हो रहा है तो उसमें महिला नहीं जा रही है। अगर आप अलग अलग फ्रंट पे काम करने वाले लोग हैं तो आपको ये प्रॉब्लम साफ साफ नजर आएगा। ऐसा जब पॉलिटिकल सिचुएशन समाज में हो, स्वाभाविक रूप से इसका एक असर इस सोसाइटी के यूथ पर भी पड़ेगा। जब कोई प्रोसेस नहीं बचा हो जहां लोगों को पॉलिटिसाइज किया जाए, जहां यूथ को यह बताया जाए कि आप यूथ कैसे हैं, यूथ होने का मतलब क्या होता है, यूथ के सामने चैलेंजेस क्या हैं, यूथ को ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए, और यूथ का डिमांड प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होना चाहिए, वैसे सिचुएशन में स्वाभाविक रूप से जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके एक अनकॉन्शियस भीड़, एक क्राउड तैयार किया जाएगा, जिस क्राउड को कभी देश के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संस्कृति, भाषा और बोली के नाम पर सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। और यह जो अनकॉन्शियस क्राउड है, यह क्राउड कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसके सामने यह सेंस ही नहीं बचा है कि देश का मतलब क्या होता है। देश अपने आप में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें देश और देश के लोगों को आपस में अलग कर दिया जाए। देश आखिर देश के लोगों से ही बनता है ना। अगर आप देशभक्त हैं इसका मतलब आप देश के लोगों के सवाल को उठाएंगे, लेकिन सिचुएशन यह है कि जो देश के लोगों के सवाल को उठा रहा है उसको देशद्रोही, और उसके सवालों को गुमराह करने के लिए एक ऐसी भीड़ तैयार की जा रही है जो उसके ही राइट को लेकर लड़ने वाले लोग हैं उसके खिलाफ उसको खड़ा किया जा रहा है। अब आप सोच करके देखिए,
रोज बरोज एक नई पॉलिसी सरकार के द्वारा हमारे सामने लाई जाती है और उस पर जो यंग जनरेशन है उसका रिएक्शन क्या होता है। आज हरियाणा के सीएम ने कहा कि अब हरियाणा के लड़के कश्मीर से लड़की ला पाएंगे। कितना मजेदार है सोचिए, अपनी लड़की को पेट में मार देंगे और अपने लड़कों के लिए लड़की कश्मीर से लेकर के आएंगे। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है। और उस स्टेट में जब आप घूमेंगे तो हर दीवार पे, हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा रहता है। और वहां पे जो रेशियो है मेल और फीमेल का, वो देश में सबसे ज्यादा खराब है। और उस देश के सीएम ये कह रहे हैं कि लड़की कश्मीर से लग के आएंगे। हमारे राज्य बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बिहारियों को कश्मीर में काम मिलेगा। बताइए, इनको देख करके शर्म शर्मा जाएगा? अगर इनको देख ले शर्म तो रास्ता बदल ले इनको देख करके। आप किसी स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टेट के यूथ माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में ना काम करने के लिए जाएं, ऐसा वर्किंग कंडीशन आप पैदा कर सकें। कैसे सवालों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और यूथ यूथ प्रोपेगेंडा का शिकार है, टिकटॉक वीडियो बना रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम तरीके की चीजें हैं। कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है, हर चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रहा है, फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन के मूल सवाल क्या हैं। हम लोगों को यह बताया जाता है कि राजनीति बहुत खराब चीज होती है, पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज होता है, पॉलिटिशियंस सबसे ज्यादा बदनाम प्रजाति होते हैं समाज में, और कुछ उनके काम भी ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम बहुत अच्छा करते हैं और उनको बदनाम कर दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स को कभी भी कैरियर के तौर पे एक अच्छा कैरियर नहीं माना जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई मिडिल क्लास, कोई लोअर क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते होंगे कि पॉलिटिशियन बन जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्लेयर बनना, क्रिकेटर बनना, कुछ भी बनना, लेकिन पॉलिटिशियन मत बनना। ये जो सोशल कंडीशनिंग है, यह जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमको ये बताया जाता है कि तरकीब क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनो और उसके आधार पे कैरियर ऑप्शन को चुनो, ये सिखाया जाता है कि मार्केट में डिमांड किसका है। अगर मार्केट में इंजीनियरिंग का डिमांड है तो इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग का डिमांड नहीं है तो एमबीए कर लो, एमबीए का डिमांड नहीं है तो एमबीबीएस कर लो, एमबीबीएस का डिमांड नहीं है तो डिप्लोमा कर लो। इस तरीके से हमेशा कैरियर को चुनने का एक प्रेशर होता है और जिंदगी की बेहतरी के नाम पर एक मशीन बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी कोशिश की जाती है कि हम मशीन कैसे बन जाएं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी इंसान को यदि उसके हिस्ट्री से काट दिया जाए, उसका पूरा का पूरा जो सोशल प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के तौर पे तैयार होते हैं, अगर हम कंट्री की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी की बात करें, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें, तो एक अच्छा सिटीजन हम कैसे बन सकते हैं, इन चीजों पर गौर नहीं किया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में जो सिचुएशन आता जाता है उसको फेस करते जाते हैं, लाइफ जो चैलेंजेस हमारे सामने थ्रो करती है उससे हम जूझते जूझते अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीख जाते हैं। मैं ईमानदारी से एक बात आप तमाम लोगों के सामने कन्फेस करना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन जब इंजीनियर बनने के लिए आए घर से बाहर
तब तक इंजीनियरिंग का मार्केट खराब हो गया था। अब इंजीनियरिंग का मार्केट खराब हो गया था और माँ बाप चाहते थे कि इंजीनियर बन जाएं, तो हमारे सामने ये चैलेंज था कि क्या करें। तो हम एसी फ्रिज ठीक करने का डिप्लोमा करना शुरू कर दिए आईटीआई कॉलेज में, और हमको लगा कि गल्फ में भारत के मजदूरों का बहुत डिमांड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत काबिल हैं, ऐसा इसलिए है कि हम लोग सस्ता में काम कर देते हैं, हम लोग चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं। बड़े पैमाने पे लोग जो है दोहा, कतर, दुबई, कुवैत जाते थे, हमको लगा कि हम भी चले जाएंगे। अब कल्चरल क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैसे आता है, अगर हमारे माँ बाप या हमारा कल्चरल बैकग्राउंड इस तरीके से होता कि जिंदगी में पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना कमाना है जितना में हम एक पीसफुल लाइफ सर्वाइव कर सकें, अगर ये अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद एसी फ्रिज ठीक करने के लिए नहीं जाते। लेकिन ये नहीं था, बचपन से दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि एन केन प्रकारेन, किसी भी मेथड से यदि आप पैसा इकट्ठा कर लिए हैं तो आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपके पास अच्छा घर होगा, चढ़ने के लिए अच्छी गाड़ी होगी, दिखाने के लिए अच्छी बीबी होगी, इसी तरीके से हमको हमारा कंडीशनिंग किया जाता है। एसी फ्रिज ठीक करते रहे, ठीक करते करते दिमाग में एक ख्याल आया, पैसा तो कमा लेंगे लेकिन लोग जब पार्टियों में पूछेंगे कि करते क्या हो, तो कहना तो यही पड़ेगा कि एसी फ्रिज ठीक करते हैं। और उस वक्त यह बात समझ में नहीं आती थी कि जॉब तो जॉब होता है, काम चाहे डॉक्टर का हो या स्वीपर का हो, काम सब बराबर होता है और समाज के लिए सभी काम जरूरी हैं, यह बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इसका कंडीशनिंग भी सोसाइटी करता है। सोसाइटी इस तरीके से आपको तैयार करता है कि सब काम बराबर नहीं होता है, डॉक्टर का काम इम्पॉर्टेंट है और स्वीपर का काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियर का काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैकेनिक का काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो पार्सल बॉय होते हैं, जो वेंडर होते हैं, उनका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीईओ का काम इम्पॉर्टेंट है। यह जो क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में होता है उसके हिसाब से लगा कि नहीं, रुतबा वाला काम करना चाहिए। देन आई टॉक टू माई फादर एंड आई सेड आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर मी, आई एम अनेबल टू बी एन इंजीनियर, तो इसलिए मैं एसी फ्रिज ठीक करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि ये काम भी ठीक नहीं है। इफ़ यू विल सपोर्ट मी आई विल ट्राई टू क्वालिफाई इन UPSC एग्जाम, सो आई केम टू दिल्ली फॉर द UPSC। अब UPSC होने का अपना मजा है, मतलब कि इतने पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कर्नाटका की पुलिस को। लेकिन आप देखिए, पूरा का पूरा जो पुलिस महकमा होता है वो कैसे काम करता है, मेहनत एक कांस्टेबल भी करता है, मेहनत SHO भी करता है, लेकिन रुतबा तो DCP साहब का होता है ना, DGP साहब का होता है ना। तो लगा कि UPSC कर लिया जाए। UPSC की तैयारी के दौरान यह बात समझ में आई काफ़ी दिनों के बाद कि हम एक अंधी रेस में शामिल हो गए हैं। एक्चुअली मुझे UPSC भी नहीं करना है, बचपन से ही आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, जो एकेडमिक फील्ड था वो पसंद था। फाइनली भटकते भटकते जो है JNU पहुंच गए। अब आप बताइए कि मैं अगर आज यहाँ बतौर लीडर, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ खड़ा हूँ, तो क्या इसमें मेरा कोई हाथ है, मेरा कोई रोल है? तब जाकर के आप इस देश के यूथ से पूछते हैं कि वो पॉलिटिकल क्यों नहीं है, कैसे होगा वो पॉलिटिकल, कैसे वो पॉलिटिकल डिसीजन लेगा, कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को समझेगा, कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके भीतर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगा? और जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगा ही नहीं, तब जब हम वोट करने के लिए जाएंगे तो क्यों नहीं हम मोदी मोदी करेंगे, बताइए क्यों नहीं करेंगे?